चर्चा हो रही है कि आपकी मुलाकात अमित शाह से हुई है, धर्मेंद्र प्रधान जी साथ में थे आपके। नहीं, ये खबर निराधार है, न हमारी किसी से मुलाकात है, न मैं दिल्ली गया था। सबसे बड़ी बात तो यही है। हाँ। और जो ये खबरें चल रही हैं, इस खबर की पुष्टि हम नहीं करते। हाँ। ये सोशल मीडिया पे जो चल रहा है, सोशल मीडिया पर तमाम तरह की खबरें इस तरह की चलती रहती हैं। कई लोगों का कहना है कि आने वाला जो लोकसभा चुनाव है, इसके मद्देनजर कहीं ना कहीं तैयारी कर रही है भारतीय जनता पार्टी, जिसको लेकर के आपको एक बार फिर से साथ में लेना चाहती है, जिसको लेकर वहां पर बैठकें चल रही है, उस बैठक में आप भी मौजूद थे, ऐसा कहना है कई लोगों का। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। हम तो 9 दिन से लखनऊ में ही डटे हुए हैं। हाँ। और 3 दिन तो हम कहीं जाइबा नहीं करते हैं, जिस दिन होली जलती है उसके दूसरे दिन, और 3 दिन हम कहीं नहीं जाते हैं, हम रहते हैं अपने आवास पर। तो लोकसभा चुनाव किसके साथ में लड़ेंगे? समाजवादी पार्टी के साथ हम लोग हैं, और समाजवादी पार्टी के साथ अभी स्थानीय निकाय चुनाव है उसको लड़ेंगे, और आगे लोकसभा का चुनाव मिलकर लड़ेंगे। इरादे मजबूत हैं यानी? और क्या इरादे कहाँ, हम तो आगे बढ़े हैं। और 47 सीट समाजवादी पार्टी कांग्रेस के साथ मिलकर जीती थी, और हम लोगों के साथ गठबंधन करके और 125 सीट जीती है। और रिजल्ट है, आपने देखा कि अम्बेडकर नगर खाता नहीं खुला बीजेपी का, आजमगढ़ गाजीपुर नहीं खुला, मऊ बलिया आपने देखा, बस्ती संत कबीर नगर सिद्धार्थ नगर, जहां हमारा प्रभाव का इलाका उस इलाके में तो हम अपनी जगह ठीक है। यानी कुल मिलाकर ये पूरी खबर गलत है कि आपकी मुलाकात किसी से नहीं, अमित शाह से नहीं हुई? हमारी मुलाकात किसी से नहीं। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें।